नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। दो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, मासेस ले लेते हैं, ये है m1 और ये है m2। क्लियर। और मान लेते हैं कि ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, क्या ये लिखना अप्रोप्रिएट है? कोई मतलब इसका नहीं है। दोनों के दोनों कैसे हैं, मोशन में है, मोशन कंडीशन में है, इनकी स्टेट कैसी है, ये मोशन में। अब m1 के लिए और m2 के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखें तो इसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी ke है और इसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी ke है, क्योंकि वो बोल रहा है टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। इनका मोमेंटम मान लेते हैं, इसका मोमेंटम p1 है और इसका मोमेंटम कितना है, p2 है। और रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम ही हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है p1 रेशो p2, p1 रेशो p2 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब हम जानते हैं कि p इजिकल टू होता है अंडर रूट ऑफ √2m की, √2m की, तो क्या मैं लिख सकता हूँ p1 डिवाइडेड बाय p2 इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 2m1 के ई। काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है इसलिए दोनों के लिए ke का यूज़ किया, डिवाइडेड बाय 2m2 टू ke। तो p1 डिवाइडेड बाय p2 मोमेंटम, मोमेंटम का जो रेशियो है दोनों के लिए वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m2, और ये हमारा क्या होगा रिजल्ट। ठीक।